सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की दसवीं किताब जान पहचान से सबक 10, जिसका नाम है बुढ़िया और चिड़िया की कहानी। ये एक नज़म है जिसके शायर बरकत अली फिराक है। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि शायर ने इस नज़म में क्या बताया है। तो शायर ने इस नज़म में एक बुढ़िया की कहानी को बयान किया है जिसने एक चिड़िया पाल रखी थी। तो उसने क्या बताया है इस नज़म में कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करती थी। बुढ़िया जब चिड़िया को खीर देती थी तो वो बुढ़िया को गीत सुनाती थी। एक दिन बुढ़िया भूखी थी, उसने घर आकर खीर बनाई। वो मुंह धोकर खाने लगी तो चिड़िया ने भी गीत सुनाना शुरू कर दिया। जल्दबाजी में उसे चिड़िया का ख्याल नहीं रहा और वो सारी खीर खुद खा जाती है, चिड़िया को कुछ भी नहीं देती है। भूख के मारे चिड़िया को रात भर नींद नहीं आती है और वो सारी रात रोती रहती है, यानी कि चीची करती रहती है। जब सुबह हुई तो वो बुढ़िया पर बहुत गुस्सा होती है, तो बुढ़िया उसे समझ जाती है और बुढ़िया फिर उसे प्यार से गोद में लेती है और उसको मनाने के लिए दाना लेकर आती है। चिड़िया दाना खाकर खुश हो जाती है और फिर से गीत सुनाने लगती है। तो अब हम इस सबक को शुरू करते हैं। ये तो था हमारे सबक के बारे में। आओ बच्चों, गीत सुनाएं, खूब हंसाएं। तो शायर जो है हमारे बरकत अली फिराक क्या कह रहे हैं कि प्यारे बच्चों तुम आओ, मैं तुम्हें एक गीत सुनाता हूँ। क्या सुनाता हूँ कि मैं तुम्हें गीत सुनाता हूँ और तुम्हें खूब हंसाता हूँ। क्या है कि आओ बच्चों गीत सुनाएं, यानी कि शायर कह रहा है कि मेरे प्यारे बच्चों आओ मैं तुम्हें एक गीत सुनाता हूँ, गीत सुनाएं खूब हंसाएं। गीत सुना के मैं तुम्हें खूब हंसाता हूँ। कौन सा गीत है वो? एक बुढ़िया ने चिड़िया पाली, नन्नी मुन्नी भोली भाली। यानी कि वो कह रहे हैं कि एक बुढ़िया थी जिसने एक चिड़िया पाल रखी थी, यानी कि एक बुढ़िया ने एक चिड़िया पाली, यानी कि एक बुढ़िया थी जिसने एक चिड़िया पाल रखी थी। नन्ही मुन्नी भोली भाली, यानी कि नन्ही मुन्नी का मतलब होता है छोटी सी, या प्यारी सी भी बोल सकते हैं अपन। तो वो चिड़िया कैसी थी? छोटी सी और बड़ी ही भोली भाली थी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। बुढ़िया बैठी खीर पकाती, चिड़िया बैठी गीत सुनाती। यानी कि वो आगे बता रहे हैं कि बुढ़िया बेटी खीर पकाती, यानी कि जब बुढ़िया बैठकर खीर बनाती थी तब चिड़िया बेटी गीत सुनाती थी, तब चिड़िया उसे बैठकर मीठे मीठे गीत सुनाती थी। एक बार वो देखना इसका, बुढ़िया बेटी खीर पकाती, चिड़िया बेटी गीत सुनाती। यानी कि जब बुढ़िया बैठकर खीर पकाती थी तब चिड़िया बैठकर उसको मीठे मीठे गीत सुनाती थी। अब आगे है, एक दिन बुढ़िया भूखी आई, जल्दी जल्दी खीर पकाए। यानी कि अब वो कह रहे हैं कि एक दिन की बात है कि बुढ़िया कहीं से भूखी हुई आती है, यानी कि एक दिन बुढ़िया भूखी आई, यानी कि मतलब इसका कि एक दिन बुढ़िया कहीं से भूखी आती है और जल्दी जल्दी खीर बनाती है, यानी कि जल्दी जल्दी वो खाना बनाने में लग जाती है, खीर बनाने में लग जाती है। अब आगे इसका, मुंह धोकर वो खाने बैठी, चिड़िया गीत सुनाने बैठी। यानी कि वो हाथ मुंह धोकर वो खीर खाने के लिए बैठ जाती है। मुंह धोकर वो खाने बैठी, मतलब वो हाथ मुंह धोकर खाना खाने के लिए, यानी कि खीर खाने के लिए बैठ जाती है। चिड़िया गीत सुनाने बैठी, तब चिड़िया उसको गीत सुनाने लगती है। अब आगे है, बुढ़िया ने सब कुछ खा डाला, चिड़िया को भूखा ही टाला। यानी कि अब आगे बता रहा है कि बुढ़िया ने सब कुछ खा डाला, यानी कि बुढ़िया ने जो खीर बनाई थी वो खुद ही खा गई और चिड़िया बेचारी को भूखे ही, चिड़िया बेचारी जो थी भूखी ही रह गई। इसको एक बार और देखना, बुढ़िया ने सब कुछ खा डाला, चिड़िया को भूखा ही टाला। मतलब बुढ़िया ने जो खीर बनाई थी वो पूरी खुद ही खा गई और बेचारी चिड़िया जो थी वो भूखी ही रह गई, यानी कि वो जल्दबाजी में उसे चिड़िया का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रहा। चिड़िया जब पिंजरे में आई, भूख से उसको नींद ना आई। इसका देखते हैं हम,
कि चिड़िया जब पिंजरे में आई, यानी कि उसने चिड़िया को जब पिंजरे में बंद कर दिया, जब चिड़िया पिंजरे में आई तो भूख से उसको नींद ना आई, यानी कि भूख के मारे वो बेचारी जो थी उसको बिल्कुल भी नींद नहीं आई, वो रोती ही रही, चूचू 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 करके रोई, सारी रात इसी में खोई, मतलब उसको पूरी रात वो चूचू करती चिल्लाती ही रही। इसको एक बार और देखो, चिड़िया जब पिंजरे में आई, भूख से उसको नींद ना आई, चूचू चूचू करके रोई, सारी रात इसी में खोई। मतलब जब चिड़िया को पिंजरे में बंद किया गया तो उसको भूख के मारे बिल्कुल भी नींद नहीं आई और वो पूरी रात चूचू चूचू करके चिल्लाती रही। सुबह हुई और मुर्गा बोला, बुढ़िया ने तब पिंजरा खोला। तब अगले दिन सुबह हुई और मुर्गा बोला, मतलब अगले दिन जब सुबह हुई तो मुर्गे ने अपनी बांग से यानी कि अपने आवाज से बैने जब सुबह होने का इशारा दिया, तब बुढ़िया ने तब पिंजरा खोला, तो बुढ़िया उस पिंजरे के चिड़िया के पिंजरे के पास आई और पिंजरे को उसने खोला। प्यास जब उसको चमकारा, चिड़िया ने चोंचों से मारा, और जब पिंजरा खोल के उसने उसे प्यार किया यानी उसे प्यार से हाथ में लिया, तो चिड़िया को उस पर गुस्सा आ गया और उसने उसे चोंच मारी। एक बार और देखना इसे, सुबह हुई और मुर्गा बोला, बुढ़िया ने तब पिंजरा खोला, प्यास जब उसको चमकारा, चिड़िया ने चोंचों से मारा, यानी कि जब सुबह हुई और मुर्गा बोला यानी कि मुर्गे की आवाज़ से जब वो बुढ़िया जगी और तब उसने जाके जब पिंजरा खोला तो उसने प्यार उसको चिड़िया को बड़े ही प्यार से अपने पास लेना चाहा, तो चिड़िया को उसको पर बहुत गुस्सा आया और उसने उसे चोंचों से मारा यानी उसे चोंच मारी। बुढ़िया भागी घर में आई, मुट्ठी भरकर दाना लाई। अब देखो इसका कि बुढ़िया भागी घर में आई यानी कि बुढ़िया समझ गई और वो भागकर घर के अंदर आई, मुट्ठी भरकर दाना लाई, फिर वो अपने साथ में मुट्ठी भरकर यानी कि उसके लिए खाना लेकर आई, दाना लेकर आई। जब बुढ़िया ने दाना खिलाया तब चिड़िया ने गीत सुनाया, फिर उसने बुढ़िया ने उसे बड़े ही प्यार से जो है वो उसे दाना खिलाती है, तब जाकर वो चिड़िया उसे गीत सुनाती है। ये आज का जो हमारा सबक था वो ख़त्म हो चुका है, समाप्त हो गया है। अगर इसमें आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो आप दोबारा इसमें उससे पूछ सकते हैं और इसके क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं।